कृष्ण शांत। मैं आज आपको तीसरा अलंकार सिखाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में हमने दो अलंकार किए, आज तीसरा करेंगे। इसमें आपने तीन तीन स्वर लेने हैं और इसको दादरे ताल में गाना है। थ्री बीट इसको बोलते हैं, थ्री बीट। सा रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी, धा नी सा, सा नी धा, नी धा पा, धा पा मा, पा मा गा, मा गा रे, गा रे सा। इसकी दुगनी लेनी है, सा रे गा मा, गा मा पा धा, पा धा नी सा, सा नी धा पा, धा पा मा, पा मा गा रे, गा रे सा। तो फिर से तीसरा अलंकार देखिए जो दादरा ताल में है। सा रे गा मा पा धा, पा धा नी सा नी धा, नी धा पा मा, पा मा गा रे, गा रे सा। सा रे गा मा, गा मा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा पा मा, पा मा गा रे सा। तो अब हम तीनों अलंकार गाएंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि आप अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं संसार में। पहला अलंकार, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। दूसरा तीन ताल में लेना है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तीसरा दादरा ताल में लेना है, सा रे गा रे गा मा पा मा पा धा, पा धा नी सा, सा नी धा पा, धा पा मा, पा मा गा रे गा रे सा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। संगीत केवल अभ्यास है, अगर कोई अभ्यास करता रहे तो अलंकारों का ही अभ्यास करे तो सब होता रहे। परंतु एक बात आपको मैं जरूर कहूंगा, कभी मत भूलिएगा गहलोत आर्ट्स को सब्सक्राइब करना, जो हमारा चैनल है उसके द्वारा आप पूर्ण संगीत की प्राप्ति कर सकेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। और अगले एपिसोड में आपको मैं तबले के वर्ण कैसे निकलते हैं वो उसका आपको ज्ञान कराऊंगा, क्योंकि बिना ताल के संगीत अधूरा है। स्वर, मैंने पहले दिन कहा था, स्वर और ताल के माध्यम द्वारा जो विचार प्रकट किया जाए वो संगीत है। संगीत तो हमने गा लिया, परंतु अब ताल का ध्यान करेंगे। तो अगले एपिसोड में मैं आपको तबले के वर्णों का की नॉलेज दूंगा। धन्यवाद, मुझे आशा है आप फिर मिलेंगे।